ये जो आप जिन पोस्टर्स और बैनर्स का जिक्र कर रही हैं, ये लोग अपने खुद बना के लाते हैं, खवातीन और मर्द भी बहुत सारे हमें आसपास मर्द नजर आ रहे हैं जो कि हिमायती हैं, सपोर्टर हैं, हिमायती हैं और यकजहती में आए हैं मर्द भी। तो जो जो अपने साथ जो जो पोस्टर या बैनर या प्लेकार्ड लेकर आए हैं, ये उनके अपने ख्यालात की अक्कासी है। हम सेंसरशिप में नहीं यकीन रखते। हम लोग अभी 2024 में एंटर होते हैं। दिस इज नॉट द टाइम। इट्स टाइम फॉर इक्वालिटी, इट्स टाइम फॉर जस्टिस, इट्स टाइम फॉर इक्विटी एंड रेजिस्टेंस एंड होप। रेजिस्टेंस काफी टाइम से कह रहे हैं, होपफुल अभी भी है, क्योंकि वी विल फाइनली क्रिएट अ बेटर सोसाइटी फॉर अस, फॉर आवर सिस्टर्स, फॉर आवर फ्रेंड्स, फॉर एवरीबॉडी ऑल टुगेदर। औरत मार्च में शामिल होने का ये मकसद है कि जो औरतें यहाँ पर आज नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ही कदरशाही निजाम है जिसको हमें तोड़ने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। आप जिस वॉक ऑफ लाइफ को देख रहे हैं उधर बहुत ज्यादा ये इंगेज किया हुआ है और औरत को अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे इश्यूज है जो कि औरतों और जिनका औरतों को सामना होता है। एक तो सेफ्टी, फिर उनके उनके खिलाफ वायलेंस, फिर अपॉर्चुनिटी वर्क वर्क प्लेस में, फिर एजुकेशन में, फिर प्रेजुडिसेस, बायसेस, मीडिया में एक एटीट्यूड, गलत एटीट्यूड उनके खिलाफ, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जब ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो जब भी वो मतलब एम्पावर्ड तो अभी भी है, लेकिन उनकी लिबरेशन, फ्रीडम, पूरा फ्रीडम वो जरूरी है।